मैपिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे ये आपका नॉर्थ सी है, ये नॉर्वे है, यहाँ पे जैसे ये डेनमार्क है, और ये स्कैगेराक स्ट्रेट है, गैटगार्ड बे है, बाल्टिक सी है, फिशन आइलैंड है, कील कैनाल है, ये सब याद रखना है। ये जर्मनी है आपका, नीदरलैंड, तो यहाँ पे फ्रीशन आइलैंड है, कील कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ डॉवर है, इंग्लिश चैनल है, और ये यूके का रीजन है। तो ये थोड़े से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज़ जैसे ये फॉरे आइलैंड डेनमार्क का फैरो आइलैंड है, तो ये मैपिंग के कंटेक्स्ट में सारी जगहें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप अपने एटलस में जगहों को देखना, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना कि नाथुला पास से देखो, आईआर का एक और एक पहलू है आपको जो ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में मैपिंग का एक महत्वपूर्ण रहता है। तो नाथुला आपको याद रखना, सिक्किम में मानसरोवर लेक अगर देखोगे, ये मानसरोवर लेक है और सिगाट से रीजन है, तो ये सब जगहें न्यूज़ में हैं, तो कौन कहाँ है ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से आप ये देखो, यहाँ पर आपका ये जॉर्डन है, ठीक है, दिस इज़ जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, सीरिया। अब इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मेडिटेरेनियन सी रीजन है, कौन सा देश जो है वो बॉर्डर करता है मेडिटेरेनियन सी रीजन को, कौन बॉर्डर करता है, या फिर आपका कौन सा, जैसे मान लो आपसे पूछे कि कौन सा देश की बाउंड्री लेबनान के साथ है, इसराइल के साथ है, या कौन सा देश जो है मेडिटेरेनियन से ओपन नहीं हो रहा है, तो ये सब अपने एटलस में आपको देख के जाना है, क्योंकि क्योंकि जगहें बहुत न्यूज़ में हैं, तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपके लिए फ्रेम होंगे। फिनलैंड की, फिनलैंड भी न्यूज़ में है क्योंकि नाटो का हिस्सा बना है, तो आप याद रखना ये फिनलैंड है, और यहाँ पे हेलसिंकी याद रखना ये लोकेटेड है, एलांड आइलैंड करके, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ बॉथनिया है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज, ये आपका गल्फ ऑफ बॉथनिया है, यहाँ पे एक समुद्र मतलब है समुद्र टाइप जिसे व्हाइट सी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाइट सी, और भी कई सारे इसमें जैसे नॉर्वे इधर लोकेटेड है, नॉर्वेजियन सी इधर लोकेटेड है, तो ये थोड़ी सी जगह है मैपिंग का भी याद रखना। तो मैंने जैसे कहा था कि आईआर का जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें जो मैपिंग एस्पेक्ट है उस पर भी काफ़ी अधिक फोकस रहेगा, क्योंकि आईआर बेस्ड मैपिंग पर इन्होंने बहुत बहुत फोकस आपका किया, तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में आईआर। तो ये क्यों हम फिनलैंड डिस्कस कर रहे हैं, फिनलैंड एज अ मेंबर एज अ नाटो, क्योंकि फिनलैंड ने भी हाल में ही नॉर्थ नाटो को ज्वाइन किया है, 31st मेंबर बना है इसमें, और बिफोर फिनलैंड नॉर्वे हिस्सा बना था 1949 में, लैटविया 2004 में, एस्टोनिया 2004 में, पोलैंड 1999 में, लिथुएनिया 2004 में, ये ऑलरेडी जो है नाटो का हिस्सा है। अब इसमें फिनलैंड का भी आपका जो एडिशन है वो हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी याद रखना है आप, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स न्यूज़ में रहते हैं, जैसे बेलफास्ट एग्रीमेंट है, तो बेलफास्ट लोकेटेड कहाँ है, ये नदर्न आयरलैंड यूके, यहाँ इस जगह पे ये बेलफास्ट रीजन लोकेटेड है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये लोकेटेड है, ये डुबलिन एरिया, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये है और नदर्न आयरलैंड यूके बेलफास्ट यहाँ पे ये लोकेटेड, तो ये बेलफास्ट एग्रीमेंट है। इस बेलफास्ट एग्रीमेंट को गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी कहा जाता है, और ये ख़ास तौर से जो कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था नदन आइलैंड के उसमें, तो उसको दूर करने के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया था। अब देखो इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में नहीं जाएंगे कि क्यों कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, क्योंकि नदन आइलैंड जो है वो आपका यूके का हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा नॉर्मल आइलैंड है वो नहीं है, उसका हिस्सा है, तो एक अलग तरीके का आपका उसमें सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिस वजह से कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई थी, तो वो दूर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसका नाम बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है वो किया गया था, जिसको फिर नदन आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने दोनों ने अप्रूव किया, और 1998 का, तो काफ़ी समय पहले इसको किया गया। कौन कौन किसका कहाँ हिस्सा, जैसे वाटर बॉडीज़ हम अभी लाइक मैपिंग में मैं आपको और भी चीज़ें कराऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, ये कैस्पियन सी है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, नागार्नो काराबाख रीजन भी आपका न्यूज़ में रहता है, वो इस रीजन में है, तो ये ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, स्वेज कनाल है, तो ये सब जगहें आपको याद रखनी है। और मैंने जैसा कहा कि हमेशा से इन एरिया से कभी ना कभी जो प्रश्न है वो हमेशा ये लोग पूछते रहते हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ सच टॉपिक्स, और पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी जो है वो होना चाहिए। साथ में देखो गदर पोर्ट आप याद रखना, तो ये गदर पोर्ट यहाँ लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान के पास लोकेटेड है। चाबहार पोर्ट देखोगे तो ये शायद, अच्छा सॉरी, ये चाबहार पोर्ट यहाँ लोकेटेड, ये गल्फ ऑफ ओमान पे लोकेटेड है, ये अरेबियन सी रीजन पे लोकेटेड है, तो गदर पोर्ट और चाबहार पोर्ट दोनों याद रखना, ईरान के अंदर ये चाबहार पोर्ट है और एक गदर पोर्ट है, तो ये चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस भी याद रखना, कि क्योंकि देखो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है और पूरे तरीके से कराची पोर्ट और इन सब में निर्भर है, पाकिस्तान पर निर्भर बहुत अधिक था कि अगर उसे कुछ पोर्ट का एक्सेसिबिलिटी है तो वो जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है अगर
चाबहार पोर एक्टिव, बट अब काफ़ी सारे पॉलिटिकल दूसरे डेवलपमेंट्स हो गए हैं तो उसको भी थोड़ा चीज डील करना पड़ेगा, तो एक अलग चैलेंज भी है। नेक्स्ट आप ये रीजन भी याद रखना न्यूज़ में है, तो जैसे ये रेड सी रीजन हमेशा याद रखना, सऊदी अरेबिया, ये इरिट्रिया, ये इथोपिया है, यहाँ पे बाब अल मंदेब है, गल्फ ऑफ एडन है, ये जो है आपका गल्फ ऑफ एडन है और ये आपका बाब अल मंदेब है, ठीक है, बाब अल मंदेब करके है, ये रेड सी रीजन है याद रखना, ठीक है। ये स्वेज कनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो अब आपसे यही पूछ ली कौन सा देश जो है जिसका बॉर्डर है रेड सी से, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो रेड सी इधर इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, नीचे देखोगे तो ये जो इथोपिया है ये अलग है, ये पूरा अलग है, ये बॉर्डर है इसका पूरा, तो इथोपिया नहीं है इसमें। तो फैक्ट सऊदी अरेबिया इधर आ जाएगा, इधर यमन आ जाएगा, जो रेड सी के साथ अपना बाउंड्री रहते हैं। तो जैसे क्योंकि काफ़ी रेड सी न्यूज़ में है तो आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा कि इनमें से कौन सा जो देश है वो बॉर्डर शेयर करता है विद द रेड सी, ऐसा प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। देख लेते हैं, देखो ये आपका ईरान है, ये मैपिंग याद रखना है, पर्शियन गल्फ है, कतर, दोहा, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, मस्कट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अबू धाबी है, ये यूएई है, ओमान है, तो ये सब थोड़ा मैपिंग याद रखना है कि कौन किसको जोड़ता है। आसान से प्रश्न बनते हैं बट अगर आपको पता है तभी ये सही होंगे। और ये देखो ये हाई स्कोरिंग जहाँ पे कट ऑफ इतनी कम जाती है प्रीलिम्स में और इन सब, तो ये सब मैपिंग आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहती हैं, तो इनको थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ये एक जॉइंट वेंचर है साउथ अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इनका है, ठीक है। तो इनके बीच का ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर के रूप में है बरसू रिफाइनरी, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब आपका है। तो ये इसकी कैपेसिटी लगभग 60 मिलियन टन की है, तो शायद ये आपका जो है जिसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भी है और ये भी है, बहुत सारे है, तो ये लोकेटेड है आई थिंक मिडिल ईस्ट में ही, तो एक बार चेक करना इसको। देखो लॉन्डर लॉन्ड्रो मैट करके हैं, तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम लॉन्ड्रो मैट करके है, तो ये जो कंट्रीज़ है जो कि रशियन ऑयल को बाय करती हैं, तो मतलब रशियन ऑयल को बाय करना और सेल करना उससे प्रोसेस्ड फूड, तो मतलब जैसे बाय कर लिया क्योंकि जो युद्ध हुआ है उसके बाद रशिया पे सैंक्शन था और कहा गया कि रशिया से कोई ऑयल बाय नहीं करेगा, इस टाइप का थॉट प्रोसेस जो है रखा गया था। तो इसमें जो रशियन ऑयल है तो रशियन ऑयल एक तरफ और आपका मतलब उससे बाय किया गया और रशियन ऑयल को बाय करने के बाद उसको प्रोसेस करके यूरोप को बेचा गया, तो ऐसे 5 कंट्री है, उसमें इंडिया भी है और इन कंट्रीज़ का नाम लॉन्ड्रो मैट रखा गया, फैक्ट आपको याद रखना है। ये कुछ देश आपको याद रखना मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये आपका सेंट्रल एशिया के अंदर कैस्पियन सी है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, इधर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इधर अराल सी है, तो ये फैक्ट्स याद रखना। और स्पेशली जो वाटर बॉडीज़ हैं इन पर आपका नज़र बढ़िया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, बिल्कुल इनसे प्रश्न भी आपके लिए अच्छे बनते हैं, तो ये मैपिंग थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और ये जो पैसिफिक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, कुक आइलैंड, अमेरिकन समोया, न्यूई, टोंगा, फिजी, टोंगा याद रखना क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था बहुत बड़ा पापुआ न्यू गिनी, तो ये पैसिफिक आइलैंड्स भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पापुआ न्यू गिनिया ने अभी सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था, जैसे समोया ने साइन किया था चाइना के साथ, तो इसने साइन किया है आपका यूएस के साथ, ये आपका पापुआ न्यू गिनिया है। यहाँ पे बिस्मर्क सी है और सोलोमन सी है, पोर्ट मोर्सबाय है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, न्यूज़ में भी है, आराफोरा सी है, इंडोनेशिया है, ये आपका बोगनवेले करके, तो ये थोड़े से जगहें आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जैसे ये पूरा रीजन, ये आपका लेबनन है, इसराइल है, ये हैफा भी है, हैफा पोर्ट भी न्यूज़ में था काफ़ी, उसका स्वेज कनाल है, नाइल डेल्टा है, इजिप्ट है, साउथ ईस्टर्न मिडिल ईस्ट, गल्फ ऑफ अनातोलिया है, साइप्रस है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये रोड्स है, तो फैक्ट्स याद रखने की कौन कहाँ क्या लोकेटेड है, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ स्वेज है, तो ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो मैंने कहा कि IR के जो टॉपिक्स आपके न्यूज़ में हैं उससे मैपिंग का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये जो रीज़न आप देखोगे तो ये आपका रेड सी है, ये इसराइल का एरिया है, ये रेड सी रीजन है, ये इधर जेरूसलम है, इसके बाद ये बीर शेफा करके है, इधर आप देखोगे सी ऑफ गैलीली करके लोकेटेड है, ये आपको याद रखना, ऊपर साइड इधर ऊपर सीरिया है, ये जॉर्डन है,
ठीक है, ये हैफा पोर्ट है, टेल अवीव है, ये फैक्ट्स याद रखने हैं। तो ये जगहें क्योंकि न्यूज़ में हैं तो यू नीड टू नो ऑल दिस फैक्ट। क्वाड समिट जो आपकी हुई थी सिडनी में हुई थी, बट इसको कैंसिल बाद में हो गया था, फिर ऑनलाइन हुई थी, ठीक है, फिर G7 के साथ साथ ही मिलकर हुई थी। तो G7 एक तरफ G20 है, एक तरफ G7 है, G20 में सारे देश है, G7 वाले भी हैं साथ में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और अरबी अफ्रीकन यूनियन भी है, तो अफ्रीकन यूनियन भी हम डिस्कस करेंगे आगे, अफ्रीकन यूनियन भी इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये आपका G7 का हिस्सा है। रशिया पहले हिस्सा था, अब रशिया नहीं है क्योंकि उसने क्रीमिया पे जब से कब्जा किया तो उसके बाद उसको G7 से हटा दिया गया। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि पैसिफिक आइलैंड के आइलैंड्स की पूरा देख के जाना अच्छे से, तुवालू, फिजी आइलैंड, टोंगा, न्यूई, कुक आइलैंड, समोया, किरीबाती, नाउरू, सोलोमन आइलैंड, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनिया, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मार्शल आइलैंड, ये सब इसका है। फिर ये पोर्ट्स मोरस्बा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो फोरम है इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, फिपिक समिट बोलते हैं, मतलब पैसिफिक आइलैंड्स और इंडिया के बीच में जो एक मीटिंग आपकी हुई थी, फोरम हुआ था, वो आपका हुआ था पोर्ट्स मोरस्बा पे, तो इसलिए ये पोर्ट्स मोरस्बा आपको याद रखना है। पहली समिट हुई थी सुवा में, सेकेंड समिट हुई थी जयपुर में, थर्ड समिट आपकी पोर्ट मोरस्बा रीजन में हुई थी, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टैटिक में मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये दोनों ही कवर किया हुआ है स्टैटिक पार्ट में, तो ये बहुत डिटेल में, अगर आपको रीड करना हो तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, अब देखो मैंने मैपिंग आपके लिए हाँ, वो लाइव ही होगी, एवरीथिंग विद, डोंट वरी डोंट वरी। देखो आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, बाकी आप सब मत सोचो, ठीक है। चलो माउंट माउंट रियो पेहू करके देख लो, माउंट रिहू पेहू। अब ये देखो, अब आप मैपिंग करोगे तो इतना तो आपको याद नहीं, कोई मतलब इतना कौन कराएगा। तो माउंट रियो पेहू की अगर आप बात करो, अरे ये क्या होगा, माउंट रियो पेहू की अगर बात करोगे तो ये जो माउंटेन है ये कहाँ लोकेटेड है, टापो वॉल्केनिक जोन, एक नदन आइलैंड रीजन है न्यूजीलैंड में, क्योंकि इसमें अभी वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही थी, इस वजह से न्यूज में है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ लोकेटेड है। दूसरा, ये कितने किलोमीटर दूर है, ये सब आपको याद नहीं रखना, यहीं पे ये एक नेशनल पार्क है न्यूजीलैंड में, टोंगा रीरो नेशनल पार्क, वहीं लोकेटेड है, और यहीं पे एक लेक मौजूद है जिसका नाम है लेक ताउपो। तो बस ये थोड़ा याद रखो, दैट इज, याद रखो दैट इज माउंट रियो रियो पेहू। उसके बाद कहाँ लोकेटेड है, न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्थ आइलैंड वॉल्केनिक, ताउपो वॉल्केनिक जोन लोकेटेड है ना, यहाँ पे ही एक लेक लोकेटेड है जिसका नाम लेक ताउपो लेक का नाम है, और तोंगारीरो नेशनल पार्क यहाँ लोकेटेड। तो ये आपको क्या याद रखना है कि ये सब मैपिंग की चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा माउंट रियो पेहू कहाँ लोकेटेड है, तो न्यूजीलैंड याद रखना, लेक ताउपो कहाँ लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में है। फिर आपसे पूछे तोंगारीरो नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, वो न्यूजीलैंड के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक ये मैपिंग की चीज है, अभी लेटेस्ट है जो न्यूज में है। फिर एक और जगह है, दैट इज बायरिड ग्लेशियर। बायरिड ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, एंटार्क्टिका रीजन के अंदर आपका लोकेटेड है, एंड यहीं पे एक जगह और भी है एंटार्क्टिका रीजन में, आप याद रखना, दैट इज रॉस आइस शेल्फ, ठीक है। ये ठीक है, तो ये जो बायरिड ग्लेशियर है, ये बायरिड ग्लेशियर बेसिकली आप देखोगे ये कई बार इसका पानी पिघलता है और ये फिर पानी जो है रॉस आइस शेल्फ में आके मिल जाता है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि बायरिड ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है और रॉस आइस शेल्फ कहाँ लोकेटेड है, एंटार्क्टिका रीजन में लोकेटेड है। तो ये मैपिंग है, दिस इज वॉट वी कॉल इट एज एडवांस्ड मैपिंग पार्ट, ठीक है। तो माउंट रियो पेहू ये याद रखना है, बायरिड ग्लेशियर एंटार्क्टिक रीजन के अंदर लोकेटेड है, तो बायरिड ग्लेशियर और रॉस आइस शेल्फ दोनों कहाँ पे है। सो हेलो एवरीवन एंड लेट्स डिस्कस टॉपिक्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो इसमें जो मैपिंग है, आई आर बेस्ड जो मैपिंग है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड है ना, तो अगर आई आर के जो भी लेक्चर्स हैं फिल गो थ्रू, तो जो भी उस पर बेस्ड मैपिंग है दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो ये काफ़ी जगह न्यूज़ में है ताइवान, तो यहाँ पे यू विल सी हियर यू हैव चाइना, ये ताइवान है, ये ईस्ट चाइना सी है, येलो सी है, ये जगह है। अभी आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, फिलिपींस है, दिस ओशन वी कॉल इट एज पैसिफिक ओशन, दिस ओशन वी कॉल इट एज पैसिफिक ओशन है, तो ये आपका पैसिफिक ओशन है, तो ये जगह आपको याद रखनी है। ये जो थोड़ा नीचे जाओगे ना, दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यू हैव दिस कंट्रीज वी कॉल इट एज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये आप लोग मैप में जरूर से देखना कि कौन सी जो है वो लैंड लॉक्ड है,
विच इज़ लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कौन सा है ना, तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, लैंड लॉक्ड डिश में कौन सा है, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं, है ना, मतलब सर्टेन फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या हैं, ये थोड़ा सा जगह आप लोग को गो थ्रू होना है। नेक्स्ट जगह देखो न्यूज़ में है, दैट इज़ जैसे ये देश हैं, पिछली बार भी देखोगे तो देयर वॉज अ क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न आया था, दे हैव आस्ट अबाउट द सराउंडिंग, कौन से देश सराउंड कर रहा है, तो ये थोड़ा से देश, ये क्योंकि रीज़न हमेशा से यूक्रेन वॉर की वजह से न्यूज़ में भी है, सो ये सर्बिया है, सर्बिया के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, तो इधर हंगरी है, रोमानिया है, क्रोएशिया है, बॉस्निया है, मॉन्टेनिग्रो है, और उसके बाद कोसोवा है, बल्गारिया है, तो ये सारे के सारे जो देश हैं, यू नीड टू नो ऑल दीज कंट्रीज़ अगेन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कौन से किसको बॉर्डर करना है, इधर नीचे जाओगे तो एड्रियाटिक सी, और नीचे जाओगे तो यू हैव द सी, वी कॉल इट एज मेडिटेरेनियन सी रीजन, आपके पास जो है दैट इज़ मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन जो समुद्र है दैट इज़ देयर, सो मेडिटेरेनियन जो सी रीजन है दैट इज़ देयर, सो ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज़ कौन किसको सराउंड करना है, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। नेक्स्ट आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आईआर बेस्ड मैपिंग भी इसी पर जो है इंक्लूडेड है, सो यहाँ पे इफ यू सी दिस इज़, ये पूछा भी गया है प्रीलिम्स में, तो ये ताइवान स्टेट हमने अभी देखा है, फिर ये जापान आ जाता है, जापान के ये जापान ऊपर साइड जाओगे तो रशिया का रीज़न आता है, वहाँ पे एक आइलैंड है जिसे हम क्यूरिल आइलैंड्स बोलते हैं, सो क्यूरिल जो आइलैंड्स हैं, दोज क्यूरिल आइलैंड्स दे आर ऑल्सो लाइक वी नीड टू नो अबाउट देम ऑल्सो, बिकॉज क्यूरिल आइलैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन जापान एंड दे आर अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन जापान एंड रशिया, नीचे साइड अगर थोड़ा सा आते हो राइट, है ना, लाइक ईस्ट चाइना सी रीजन में, सो हियर यू हैव रिक्यू आइलैंड और सेनकाकू आइलैंड्स हैं, सो ये जो आइलैंड्स हैं सेनकाकू आइलैंड दे आर अ डिस्प्यूटेड, मतलब ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, द डिस्प्यूट इज़ बिटवीन जापान एंड चाइना, ये फैक्ट आप याद रखना, तो सी ऑफ जापान है, यू हैव येलो सी, देन यू हैव ईस्ट चाइना सी, कई बार समुद्र जो है वो उनका भी दे कैन आस्क अबाउट यू नो कि उनको अरेंज करो फ्रॉम नॉर्थ हो तो साउथ, तो वो भी हमें पता होना, देख लेते हैं, देखो ये जगह भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसमें आईआर की जो मैपिंग है उसको भी जो टॉपिक्स हैं वो भी साथ साथ में इंक्लूडेड है, तो देखो आप याद रखना, यमन है, ये हदरामौत है, अल महरा है, ये थोड़ी जगहें याद, अबियान है, अडन है, याद रखना है, लाही है, इधर रेड सी है, इधर ही आप एक देखोगे बबल मंदेप करके है, तो कुछ जगहें याद रखना है, सादा याद रखो, ठीक है, सना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, और इब याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जगहें थोड़ा सा आपको याद रखना है, वाई बिकॉज ये हमेशा से कुछ ना कुछ जगहों पे न्यूज़ है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप, ऐसे प्रश्न जो है ये आपके लिए फ्रेम होते हैं, है ना, तो ये जैसे बब अल मंदेप है, उसके बाद एक जगह और है, एक जो है ये पोर्ट याद रखना, यमन का लार्जेस्ट पोर्ट है और मेन गेटवे है फॉर फूड फ्यूल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, तो हदायता ये आप याद रखो, ये पोर्ट का नाम है, दैट इज़ हदिया तह करके ये पोर्ट है, हदया तह करके, तो और बब अल मंदेप है, रेड सी है, फिर ये आपका यमन है, फिर है ना ओमान है, तो ये देश भी थोड़ा याद रखना है, ऊपर जाओगे तो सऊदी अरेबिया है, ये पूरा का पूरा रीजन हमेशा से न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस भी बहुत हाई आपके रहते हैं। फिर देखो पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक रीजन में जाओगे तो आपको इन आइलैंड्स याद रखने हैं, जैसे आप याद रखो गुआडल कनाल यहाँ लोकेटेड है, मलायता सोलोमन आइलैंड्स है, सोलोमन आइलैंड्स में ये दोनों चीज़ें हैं, सोलोमन आइलैंड में चाइना का प्रेजेंस काफ़ी अधिक इंक्रीज़ हुआ है, सोलोमन आई सी है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कोरल सी है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो मैपिंग आपको याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर है आपका, तो ये इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड है, और यहाँ पे देखो कि गिलगिट बल्तिस्तान, अक्साई चीन है, ये चाइना कंट्रोल करता है, ये पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है, लद्दाख रीजन है, ये जम्मू कश्मीर रीजन है, तो फैक्ट्स याद रखने हैं, और यहाँ पे आप देखोगे यू हैव अ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखते हैं ताकेशिमा आइलैंड्स, ये भी न्यूज़ में है, ताकेशिमा आइलैंड्स जो हैं इन्हें हम लियान कोट रॉक्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन दे आर कोरियन नेम डोकोडो नाम से भी जाने जाते हैं, और ये कहाँ लोकेटेड हैं, ये दे आर बेसिकली लोकेटेड सी ऑफ जापान में, सो कोरियन पेनिनसुला और जापानीज पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वहाँ पे लोकेटेड है, साउथ कोरिया के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, ऑल दो साउथ कोरिया इसको कंट्रोल करता है जापान भी इस पर क्लेम आपका करता है और नॉर्थ कोरिया भी इस पर क्लेम करता है, तो एक प्रकार से साउथ कोरिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट का एक रीजन है जिसे हम तक्षिमा आइलैंड्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें लेट्स डिस्कस इन अदर लेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं ये जगह आप याद रखना है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये फिलीपींस है और ये पलावन आइलैंड है, रेड बैंक ऑयल फील्ड है, पाराशेल आइलैंड है, स्पार्टले आइलैंड है और युंगिन शोल करके है, ये यू हैव दिस दैट वी कॉल इट एज युंगिन शोल, सो यू हैव युंगिन शोल एक रीजन ये है,
सो ये थोड़ी सी मैपिंग आपको हमेशा से याद रखनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ, पीडीएफ जो मैं आपसे शेयर किया हूँ अपलोडेड है, तो वो आप ज़रूर से गो थ्रू हो। और जिन्हों जो लोग भी सेशन कभी मान लो यूट्यूब में देखते हैं, इस सेशन को कभी मान लो अपलोड होता है, तो जस्ट डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, उस ऐप में भी आपको ये PDF मिल जाएगी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, ये भी थोड़ा सा मैपिंग के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश से भूटान है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। भूटान और चाइना के बीच में भी कई इश्यूज हैं, रेज हुए हैं, तो अभी हम डिबेट जो डिस्प्यूट है उसको ना डिस्कस करके जस्ट थोड़ा जो मैपिंग आस्पेक्ट है वो ध्यान रखते हैं। तो भूटान है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सो यू कैन सी ये इधर चाइना है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, और यू हैव दिस साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ लोकेटेड है दैट यू नीड टू नो। और साथ में स्पेसिफिक लोकेशन भी यू नीड टू नो, भूटान है, आसपास कौन सा, जैसे कौन किसको बॉर्डर करता है, और यहाँ पे यू शुड नो कि जैसे यहाँ पे एक डोकलाम है, सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में था, ऊपर साइड देखोगे तो चुम्बी वैली करके है, चाइना के तिब्बत वाला जो रीजन है वहाँ पे, यू हैव दिस रीजन एज वेल। फिर कुछ जगह है जो भूटान की है वो याद रखना, जैसे पंगदा करके है, डोकलाम एक जगह है, फिर उसके बाद कोलाखरी करके है, बेउल करके है, मैनचुमा करके है, साक्तेंग है, इन सब जगह पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का कुछ रीजन है उसको भी चाइना क्लेम करता है, हर देश के साथ चाइना का ऑलमोस्ट जो देश उसको बॉर्डर करते हैं सबके साथ उसका डिस्प्यूट है, तो ये इस टाइप से है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा है, अगर आप 2023 के प्रीलिम्स में देखोगे तो ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। सो यहाँ पे म्यांमार माइनॉरिटीज़ के कंटेक्स्ट में आप याद रखना, कचिन है, शान है, चिन है, रखाइने हैं, और करेनी है, कारेन है, मोन है, ये सब म्यांमार में अलग अलग माइनॉरिटी हैं जो प्रेजेंट है, और इनमें से कई जो हैं दे बेसिकली है ना सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है उनके अंदर, दे वांट टू बी सेपरेटेड, या मतलब पूरे तरीके से जो मिलिट्री रूल है वहाँ पे उससे अलग होना चाहते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA करके देखा जाए, तो ये बेसिकली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द क्वाड ग्रुपिंग, ये क्वाड ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US है, तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। और यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड होना चाहिए। रूल बेस्ड का मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में आपका इंडियन ओशन रीजन है और सेंट्रल पैसिफिक ओशन रीजन है, तो वो जो रीजन है फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड हो, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ हो दैट शुड बी एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना जो चाहे वो कर सके। तो ये इनिशिएटिव है जिसमें इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस आस्पेक्ट पर फोकस किया गया है। अब इसमें जो भी मैरीटाइम एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करना, उसको सिक्योर करना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जिसके माध्यम से मतलब ऐसा हो कि वहाँ पे जो मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है, तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में कई सारी चीज़ें सेटेलाइट के माध्यम से नज़र रखा जाएगा और मॉनिटर करना, कौन सी मान लो शिप आ रही है, जा रही है, पोर्ट से कौन सी गई, कौन सी आई, तो ये सब चीज़ें, प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम है, GPS है, रडार सेटेलाइट्स हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा जो जानकारी है शिप्स के बारे में वो जानकारी जो है वो रखना। सो ये अनाउंस किया गया था क्वाड ग्रुपिंग के द्वारा जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US है, टोक्यो समिट जो है अर्ली 2022 के अंदर, जब ये टोक्यो समिट आपकी हुई थी तब इसको अनाउंस किया गया था। और इसमें डार्क शिपिंग है ना, जो डार्क शिपिंग है मतलब है ना इन द सेंस जो विदाउट परमिशंस और इस टाइप से जो शिप्स मूव कर रहे हैं उनको उनको ट्रैक करना फास्टर वाइडर, और एक जो एक मतलब पूरी की पूरी जो रियल टाइम मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र रखना, और इंडो पैसिफिक रीजन को पूरे तरीके से सेफ रखना, और है ना रूल बेस्ड ऑर्डर हो ऐसा इंश्योर करना। फिर जैसे जैसे मान लो आप यू मस्ट बी अवेयर कि जैसे मान लो 200 नॉटिकल माइल हमारे देश में, उसके बियॉन्ड जो रीजन है 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है उस पर जो पेट्रोलिंग का काम है कोस्ट गार्ड का रहता है, उसके बियॉन्ड अगर रीजन है तो उसमें सारा जो काम है वो इंडियन नेवी के द्वारा होता है, इंडियन जो नेवी है उसके द्वारा सारी पेट्रोलिंग और ये सब की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन से एक जगह इकट्ठा हो, मान लो डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट है वहाँ पे अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही, तो एक कन्वर्जेंस एक पॉइंट होना चाहिए, तो इसके लिए इंडियन नेवी इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर है इंडियन ओशन रीजन के अंदर डेवलप किया गया, तो ये आपको गुरुग्राम में बनाया गया है, सिंगल पॉइंट सेंटर है जो कि जितने भी कोस्टल रडार चेन नेटवर्क उनको लिंक करेगा, मतलब जितना भी हमारा कोस्टल इलाका 7500 किलोमीटर का है तो उसमें सारे नेटवर्क का जो डेटा एक जगह पर लिंक करना, तो सिंगल पॉइंट सेंटर आपका है। एंड ये मैरीटाइम कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना, दूसरे देशों के साथ लिंकेज बना के रखना, और ख़ास तौर से है ना तो कई मतलब एक तरीके से लगातार जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना, समुद्र से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना, जिसमें वर्चुअल रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक सेंटर, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अलग अलग जितने भी समुद्र से रिलेटेड जितनी भी
आपकी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं अलग अलग रीजन्स के साथ, तो उनके साथ एक कम्युनिकेटर इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम ये जो IFSC IOAR के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका का, ये रीजन बहुत न्यूज़ में है, ये युगांडा है आपका, यू हैव कंपाला, तो ये आप याद रखना, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये किनसासा है। तो ये थोड़ा सा अफ्रीकन देशों के बारे में जो जगह न्यूज़ में है पता होना चाहिए, जैसे आप ये रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, केन्या है, वगैरह आपसे यही पूछ ले कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो रीजन उसको कौन सराउंड करता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको अपने मैप में देखते रहना चाहिए, थोड़ा सा समय 15-20 मिनट्स इन जगहों को जरूर से ज़रूर देना चाहिए। फिर जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, ये युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, किगाली है, यहाँ लेक विक्टोरिया है, और नॉर्थ कियू करके रीजन है, यहाँ पे कॉन्गो रिवर बहती है, और है ना, तो ये रीजन आपको याद रखना है। साउथ कियू रीजन है, यहाँ पे तंगानिका करके जो लेक है वो आपका फ़्लो करती है, तो ये रीज़न थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऊपर देखोगे तो सूडान का रीजन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इधर कॉन्गो रीजन आ जाता है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अंगोला है, जाम्बिया है। तो अपने एटलस में ज़रूर से ये जो रीजन है इस रीजन को देख के जाना अच्छे तरीके से। मैंने मैप इंक्लूड कर लिया, तो यू कैन रिवाइज नोट्स के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हो। अब इसमें ये यहाँ पे मतलब क्योंकि डिस्प्यूट आपका चल रहा है, जैसे M20 ग्रुप है, M23 ग्रुप करके है, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके बीच में कंटिन्यूस बेसिस में कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है, तो इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मतलब वो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट पे नहीं, बट यहाँ पे कई ऐसी ट्राइब्स हुई हैं जिनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुआ है, और उस वजह से मतलब इवन जिनोसाइड टाइप स्थिति आपकी हुई, तो वो एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति की वजह से यहाँ पे न्यूज़ में। नेक्स्ट देख लो, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये मलक्का स्टेट है, ये मलक्का स्टेट है, आपको याद रखना है, दिस वी कॉल इट एज मलक्का स्टेट, ठीक है। ये सुमात्रा ये पूछा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहीं पे इंडियन ओशन, अंडमान निकोबार रीजन है, बॉर्नियो है, जावा है, और ये वियतनाम है, तो ये थोड़े से रीजन्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रीजन को भी आप ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टेट, इसे लंबोक स्टेट बोलते हैं, इसे सुंडा स्टेट बोलते हैं, इसे मलक्का स्टेट बोलते हैं, ये एक पैसेज होता है, ये मलक्का स्टेट है, सुंडा स्टेट है, एंड यू हैव अ लंबोक स्टेट है, ये अलग अलग रीजन्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये सब जगहें न्यूज़ में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैपिंग भी IR बेस्ड आ रही है, तो ये IR बेस्ड मैपिंग, अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ध्यान में रखना। तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, इधर देखोगे तो बांग्लादेश है, तो ये रूट्स थोड़े से देखना, ये फेवरेट टॉपिक इनका आजकल बना हुआ है। तो ये जैसे रेल लिंक है, इंडो बांग्ला बॉर्डर के अंदर कई रेल लिंक्स हैं, कोलकाता से लेकर ढाका से, अगरतला से, करीमंग, लुमदिंग ऐसा करके है, फिर गुवाहाटी, फिर आपका है ना, तो ये रेलवे लिंक है जो प्रपोज्ड है, सिंहबाद, उसके बाद राधिकापुर, ऐसा करके कई रीजन्स हैं जो इसके अंदर आपके आते हैं। दीज आर द डिफरेंट रीजन्स है ना, जो लिंक आपके होते हैं, तो इस थोड़े से जगहें आप एक बार रीड करके जरूर से इस पर आपको जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये पोर्ट आप याद रखना है, मोंगला पोर्ट लोकेटेड है, दिस इज़ मोंगला पोर्ट, ये बांग्लादेश का रीजन है, यहाँ पे लोकेटेड है। ऊपर साइड देखोगे अगरतला है, और चितागोंग पोर्ट है, ये भी बांग्लादेश का रीजन है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे धावकी करके जगह है, ये भी आपको याद रखना है, और इंडिया और पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश ने ट्रांजिट एग्रीमेंट भी साइन कर रखे हैं। ट्रांजिट एग्रीमेंट क्योंकि साइन किया हुआ है, तो चीज़ें न्यूज़ में मतलब ये एग्रीमेंट्स की वजह से कुछ जगहें न्यूज़ में रहती हैं। तो जैसे अगरतला याद रखना, श्रीमंतपुर याद रखना, बीबीर बाज़ार याद रखना है, उसके बाद मंगला पोर्ट है, चितोगम पोर्ट है, ये सब जगहें आपको याद रखना है। सो अगरतला अखौरा रेल लिंक है जो कि इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, तो इसमें कुछ कनेक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें वेस्ट बंगाल से लेकर धरसना, बेनापोल से लेके पेट्रापोल वेस्ट बंगाल, सिंहबाद से लेके वेस्ट बंगाल टू रोहनपुर, ये ऊपर सारे डायग्राम्स दिए हैं देख लेना, राधिकापुर है टू बिरोल है, हल्दीबारी है टू चिलाहाटी करके, तो बस ज़्यादा तो नहीं बट चांसेस तो कम है पूछने के, लेकिन फिर भी लाइक ये सारी रूट्स हैं, जगहें हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि ये रीजन कहाँ लोकेटेड है ऐसा करके, तो एक थोड़ा सा एक अगर हम गो थ्रू होंगे इट विल बी ईजी फॉर अस टू रिमेंबर। फिर उसके बाद देखो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है, इस पर 38 देश हैं, और ये हेडक्वार्टर इसका बहरीन है, विथ US नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड, US फिफ्थ फ्लीट कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो इसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में किया गया था, और ख़ास तौर से पायरेसी को रोकने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को रोकने के लिए। तो अभी जो रेड सी रीजन के अंदर, रेड सी का जो इलाका है वहाँ पे जो आपके
जो हाउतीज़ हैं वो एक्टिवेट हुए थे, तो उस वजह से ये फोर्स एक्टिवेट हो गई थी, तो है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी एडमिरल है वो कमांडर इसके के रूप में काम करते हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी कमोडोर जो है वो डिप्टी कमांडर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एरियाज़ पे फोकस किया जाता है, मैरीटाइम लॉस को इम्प्लीमेंट करना, मैरीटाइम इंटरडिक्शन, मैरीटाइम रेस्क्यू, बहुत सारे लेवल पे। और इसमें जैसे क्योंकि हाउतीज़ बहुत ज़्यादा अटैक रेड सी रीजन पे कर रहे थे, तो ये कम्बाइंड मैरीटाइम फोर्स आपकी न्यूज़ में आ गई क्योंकि यूएस ने इसको एक्टिवेट आपका किया। नेक्स्ट देखते हैं कैटालोनिया जगह न्यूज़ में है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये स्पेन है और ये जो रीजन लीडा करके हम बोलते हैं यहाँ पे बार्सिलोना, स्पेन में कैटालोनिया रीजन लोकेटेड है, फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम बैलेरिक आइलैंड है, ये मेडिटेरेनियन सी रीजन है, वैलेंसिया करके है, अरागोन करके रीजन है, बे ऑफ बिस्के आप याद रखना, पोर्टुगल रीजन है। तो ये कुछ रीजन्स हमेशा याद रखना, थोड़ा थोड़ा अगर डेली बेसिस में इस कंटेंट को गो थ्रू होगा इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। ये भी याद रखना दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, मोरक्को और स्पेन के बीच में ये जो लोकेटेड दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है ये रीजन आप पूरा गो थ्रू हो जाना, ये सारे रीजन्स हैं, जैसे ये आपका नाइजीरिया है, उसके बाद ये घाना है, बेनिन है, टोगो है, आइवरी कोस्ट है, उसके बाद दिबेरिया है, ठीक है, ये कैमरून है, ये गैबन है, ठीक है, ये सब जगह हैं आपको याद रखना है। उसके बाद इफिल्सी, तो आइवरी कोस्ट की बात करें, लिबेरिया की बात करें, तो ये सारी जगह आपको याद रखनी है, कैमरून है ना, तो ये सब जगहें हैं। प्लस आसपास की वाटर बॉडीज़ आप याद रखो, इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है ये आप याद रखो, ठीक है। तो ये सब जगहें आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, जैसे इक्वेटर इसके पास से पास हो रहा है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ़ क्या होता है। गल्फ़ क्या है, गल्फ़ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशन इनटू द लैंड मास, मतलब जैसे ये गल्फ ऑफ स्वेज है, तो यहाँ पे क्या है, समुद्र का पानी है अंदर लैंड मास के अंदर, इसे गल्फ बोलते हैं। तो ये मेंस में भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो है ना, तो टिपिकली विथ अ नैरोअर ओपनिंग देन बे, मतलब बे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल ज़्यादा चौड़ा है और गल्फ़ जो है कंपेरेटिवली कम है, तो समुद्र थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, लैंड मास की तरफ से गल्फ बोलता है, और ज़्यादा चौड़ा हो उसको बे बोलते हैं। तो जैसे गल्फ़ ऑफ स्वेज है, गल्फ ऑफ अकाबा है, ये याद रखना है, ठीक है, रेड सी रीजन इधर गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा है, तो ये ध्यान में रखना है, अपने एटलस में ज़रूर से जगह ध्यान से देख लेना है। ये है ना जो आपका ये आपका सऊदी अरेबिया यमन वाले जो रीजन्स आप याद रखना, पूरा जो बना है मिडिल ईस्ट देश का, तो वो याद रखना है, ठीक है। तो रेड सी नीचे जा रहा है, फिर इधर ये सिनाई पेनिनसुला आ गया है ना, उसके ये सब जगहें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्लेट्स थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक का वॉल्केनिज्म कहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार प्लेट्स होते हैं, तो अगर आपको आइडिया है तो उन प्लेट्स का मूवमेंट आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट सभी को पता है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये छोटी प्लेट्स याद रखते हैं, जैसे नस्का है, कोकोस प्लेट है, जुआन दी फुका प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है, ये बड़ी प्लेट्स के नाम थोड़ा सा याद रखना, खासतौर से नस्का, कोकोस और जुआन दी फुका प्लेट्स, इनके नाम आपको याद रखना है, और ये स्कोशिया प्लेट भी आपको याद रखना है। तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने रीड भी किया होगा, यू मस्ट हैव रीड की जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट्स की वजह से आपस में जैसे मान लो कन्वर्ज करती हैं, टकराती हैं, तो उसमें फिर कई चीज़ें होती हैं, अर्थक्वेक वॉल्केनिज्म उससे एसोसिएटेड है। ब्रीफ में मैंने आपको ये बता दिया, बाकी एक सेपरेट टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जैसे कई सारी जगह न्यूज़ में थी, तो ये जो जगह है जैसे ये फिलीपींस है, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है अमूर करके है, और यहाँ चाइना का यांगत्से प्लेट भी है, कैरोलिन प्लेट भी है, सुंडा प्लेट्स भी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स की याद रखना, मरियाना प्लेट्स भी हैं, तो नाम याद रखना, आमूर प्लेट कहाँ लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन है, ये फिलीपींस का रीजन है, तो उस जगह है ना, तो यहाँ भी कुछ सिस्मिक एक्टिविटी हुई है क्योंकि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो ये थोड़ी सी प्लेट्स के नाम भी यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, तो ये 1986 के अंदर इसका 1989 के अंदर इसका गठन आपका किया गया था, और ख़ास तौर से ये जो रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैप मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, तो ये जो रीजन आपका आप देख रहे हो ना, जो रीजन है पूरा एशिया पैसिफिक, मतलब पैसिफिक ओशन के अगल बगल के जितने भी देश हैं, जैसे ये और ये रीजन, ये एशिया पैसिफिक के अंदर आ जाते हैं, तो इसमें लगभग 21 देश हैं, जैसे आप देख सकते हो जापान है ना, तो कई सारे जो देश हैं इसमें, चाइना, रशिया, जापान, कोरिया, हांगकॉन्ग, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनाई है ना, बहुत सारे, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, पेरू, चिली, तो ये पैसिफिक ओशन के अलॉन्ग जो देश हैं वो इसका हिस्सा हैं। तो इसमें लगभग इफिल से 21 मेंबर्स हैं, और एम क्या है कि ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, रीजन का डेवलपमेंट हो, एपेक की बात करें, ठीक है, तो ये इस गठन 1989 के अंदर हुआ था। अब इसका एम यही है, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेड को प्रमोट करना, बिजनेस क्लाइमेट्स लेकर आना, ये सब चीज़ें इसका एम आपका है। नेक्स्ट देखो, ये रीजन आपका न्यूज़ में है, ये युगांडा है, अफ्रीका का है, अफ्रीका वाला एटलस में देख लेना,
तो ये तंजानिया है, ये तंजानिया रीजन है। यहाँ पे आपके कुछ जैसे लेक कीवू याद रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये, है तो लेक कीवू आपको याद रखना है, और यहाँ पे लेक रवेरू करके याद है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये जगह थोड़ा सा याद रखना क्योंकि न्यूज़ में भी है ये काफ़ी जगह, जैसे और क्लैरिटी इस मैप में आ जाएगी। तंजानिया है इधर, ये तंजानिया लोकेटेड, ये बुरुंडी है, ये रवांडा है, रवांडा के अंदर का ये पूरा मैप है। और ये लेक क्यू याद रखना कि जो लेक क्यू है वो रवांडा के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, ये फैक्ट आपको याद है क्योंकि रवांडा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसलिए इस लेक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये मैप देख लेना आप लोग, ये जो है यहाँ पे आप याद रखना, ये पोर्ट न्यूज़ में, दैट इज़ पोर्ट डगलस, तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ पोर्ट डगलस, ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना, तो ये याद रखना पोर्ट डगलस कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज़ बेसिकली देयर इन अफ्रीका, और इसका ये जो हॉर्न टाइप है यहाँ पे लोकेटेड है। फिर आपका ये फिजी हो गया, ऑकलैंड, वेलिंगटन, ये सब जगह हैं, अलग अलग जगहें हैं आपकी, तो पोर्ट डगलस आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है, ये जगह आपको याद होना चाहिए। ओवरऑल मैप जो है पूरे विश्व का गो थ्रू होना है, ये जैसे ये वाटर बॉडी मैंने सेपरेट हमने डिस्कस किया, ये वाटर बॉडी याद होना चाहिए, ये वाटर बॉडी जो है आपको याद होना चाहिए, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, याद होना चाहिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन याद रखो, बाबल मंदेप याद रखो, ठीक है, ये सब जगहें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, कौन से वाटर, कौन सी बॉडी है, जैसे रेड सी के अलॉन्ग कौन कौन से देश हैं, है ना, जैसे इजिप्ट, सूडान, ये इरीट्रिया, सऊदी अरेबिया, यमन है, ये सब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और ये कौन कौन से इंडियन ओशन रीजन के अंदर हैं, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका जो रीजन है, ये देश आपको पूरे याद होने चाहिए कि जैसे मान लो सुपात्रा जावा करके है, फिर आपका मलक्का स्ट्रेट है, लम्बोक स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट, लम्बोक स्ट्रेट, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखना, सागर अप्रोच, सागर अप्रोच जो है आप इतना याद रखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये भारत के द्वारा इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड एक पॉलिसी है जो कि इंडिया ऑप्ट करता है कि सभी की जो समुद्र है वो सभी के विकास के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लेबनन, लेबनन में आपको ये जैसे ये लेबनन है, ये आपका सीरिया का रीजन, यहाँ गोलान हाइट है, यस सी ऑफ गैलीली करके रीजन लोकेटेड है, ध्यान में रखना, ये सीरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी रीजन है। तो देखो मैपिंग आप इतना करके जाना, जब पेपर आएगा तो आप खुद देख लेना कितने सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, अगर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस क्लब है, ये पेरिस क्लब जो रीजन है ये बेसिकली मोस्टली वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज़ हैं, और है ना, तो इसमें मतलब ये है कि पेरिस क्लब है कि कई ऐसे देश है जो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, तो ये 1956 में एक मीटिंग अर्जेंटीना में हुई, तो उसमें था कि दे विल एक्ट एज अ पब्लिक क्रेडिटर इन पेरिस, और यहाँ पे ऑफिशियल क्रेडिटर है, जो भी मान लो कोई देश है उसको वो बहुत उधारी में, तो उसको उधार प्रोवाइड मतलब पैसा प्रोवाइड कर देना, ये एक है। तो पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि रोल क्या है कि एक सोल्यूशन लेकर आना, कि मान लो किसी की पेमेंट डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसमें सोल्यूशन लेकर आना, और तो डेट की रीशेड्यूलिंग करना, कंसेशन प्रोवाइड करना, तो ये पेरिस क्लब के अंदर आपका इंक्लूड रहता है, तो इसमें डेट ट्रीटमेंट से ये एसोसिएटेड है पेरिस क्लब, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। इसके मेन प्रिंसिपल सॉलिडारिटी, कंसेंसस, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, केस बाय केस, कंडीशनैलिटी, कंपेरेटिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, तो आप बस थोड़े से याद रख लेना, हो सकता है ऐसे पूछ ले कि क्योंकि पेरिस क्लब काफ़ी न्यूज़ में था कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका पेरिस क्लब का प्रिंसिपल आता है। इसका स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, नेगोशिएशन जो हुई थी अर्जेंटीना और जो पब्लिक क्रेडिटर्स है जो कि पेरिस में हुई थी, ठीक है, तो इसमें चेयरपर्सन और ये सब भी होते हैं, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं थीतू आइलैंड जो है, थीतू आइलैंड आपका कहाँ लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये थीतू आइलैंड ये यहाँ लोकेटेड इस रीजन पे, ये आपका इंडोनेशिया का रीजन, ये फिलीपींस, और यहाँ थीतू आइलैंड है, तो इसे पग ऐसा आइलैंड भी बोलते हैं, स्पार्टले आइलैंड है ना, तो ये ध्यान में रखना है, ये थीतू आइलैंड है कहाँ, कैसे लोकेटेड है, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है, तो ये साउथ चाइना सी रीजन पे लोकेटेड है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट, ये साउथ चाइना सी रीजन में आपको पारासेल आइलैंड, स्कारबॉक्स हो, स्कारबोरॉक्स शोल, स्पार्टले आइलैंड, चाइना नाइन डैश लाइन, ये सब जगह पे आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया आइस, दुगम याद रखना, दुगम पोर्ट है, दुगम पोर्ट ओमान में लोकेटेड है, ये पोर्ट्स याद रखना, जैसे मोंगला और ये सब जो पोर्ट, मैंने सारे पोर्ट्स ऑलमोस्ट आपको लेक्चर्स में करा दिए, तो पोर्ट ऑफ दुगम आप याद रखना, ये न्यूज़ में है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान के जो राजा हुआ आए थे देश में, इसलिए थोड़ा सा ये एरिया याद होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ओमान को कौन कौन सराउंड करता है, तो यूएई है, सऊदी अरेबिया, यमन है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ रीजन है, तो ये सब रीजन्स आपको पता है, ये आपका बेसिकली पोर्ट ऑफ गदर करके भी यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जगह आप याद रखना है, ये देश बिल्कुल याद रखना, जैसे ये रेड सी है,
है ना, बबल मंदीप, गल्फ ऑफ एडन, ये देश सोमालिया, तिजिबाउती, इथोपिया, यमन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, ईरान, ये सब देशों के नाम याद रखना है। और वाटर बॉडीज़ के अलॉन्ग कौन किसको सराउंड करता है बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, मैंने सारी इमेजेस इस लेक्चर्स में डाल दी हैं तो आपके लिए आसानी, जैसे कि आपको आसानी बनी रहेगी। तो ये भी हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये बबल मंदीप स्ट्रेट बिल्कुल याद रखना, क्योंकि देखो ये हाउतीज़ है ना, हाउतीज़ उनकी वजह से जगह न्यूज़ में काफ़ी अटैक वटैक जो उन्होंने किया था उस वजह से जगह न्यूज़ में भी है। ठीक है, यहाँ पे ये हाउती टेरिटरी, ये रीजन हाउती टेरिटरी कहलाती है यमन के अंदर। और ये आप याद रखना है मस्कट यहाँ लोकेटेड ओमान में, और पोर्ट ऑफ दुकम याद रखना है, और दुबई यूएई के अंदर लोकेटेड है, ये भी आपको याद ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ताइवान की बात करें। देखो इस पे याद रखना कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होकर जाता है, इसे फार्मोसा भी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ फार्मोसा शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉर्म हुआ था फ्रॉम जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन बेसिकली सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स जो मौजूद होते हैं फिर धीरे धीरे प्रेशर और प्लेट्स के मूवमेंट के बेसिस में यही सेडिमेंट्स आइलैंड्स या फिर माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये फॉर्मेशन हुआ था इसका यूरेशियन प्लेट और फिलिपिन मोबाइल प्लेट, इनका इनकी वजह से इनका फॉर्मेशन भी हुआ था। तो ये दो प्लेट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एंड ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। ताइवान के कंटेक्स्ट में थोड़ी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये ताइवान है, इसमें ये ताइवान है, यहाँ पे केटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड है, उसके बाद काओसुइंग करके है, सन मून लेक यहाँ लोकेटेड है। तो ये याद रखना है यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट जो है ये लोकेटेड है। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हाउतीस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये एक रूट आप याद रखना ये मैपिंग के कंटेक्स्ट में, कि ये जो रीजन है यहाँ हाउतीस ने हमला कर रखा है, तो इसके लिए केप ऑफ गुड होप से अल्टरनेटिव रूट की बात की जाती है। तो ये थोड़ा याद रखना कि कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, इसमें ये बॉर्डर आप याद रखना, जैसे ये चाइना रीजन है, ये म्यांमार है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, 520 किलोमीटर की बॉर्डर है, फिर यहाँ नागालैंड 250 किलोमीटर है, मणिपुर 398 किलोमीटर है, मिजोरम 510 किलोमीटर है। सबसे मैक्स ज़्यादा बॉर्डर आपकी अरुणाचल प्रदेश की, तो ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि रीजन न्यूज़ में था। इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर स्ट्रेच है वो लगभग 1643 किलोमीटर का है, तो जगह न्यूज़ में, तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए फ्रेम हो सकती है। देख लेना, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से सेपरेटिस्ट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे ये रीजन याद रखना, जैसे कचिन बोलते हैं 2023 के प्रॉब्लम्स में पूछा भी है, शान है, और ये शकाएंग करके है, ये चिन है, मागवे करके है, बागो करके है। तो ये सब रीजन्स आप थोड़े से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये 2023 के प्रॉब्लम्स में भी पूछा गया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डंकी रूट। डंकी रूट्स क्या है कि जैसे इसमें कोई जैसे कई एजेंट्स हैं वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं ना, जिसमें एक देश से दूसरे देश में इलीगल तरीके से एंटर करना, जैसे कनाडा मैक्सिको, आफ्टर विच दे क्रॉस द यूएस बॉर्डर ऑन फुट, है ना। तो मतलब कनाडा मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूएस के बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। इस पर मूवी भी बनी है अगर आप देखो तो, उसको डंकी रूट बोलते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो डंकी रूट है उसको लैटिन अमेरिका कंट्रीज लाइक इक्वाडोर, बोलीविया और वेनेजुला है ना, जो कि प्रोवाइड करती है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन सिटीजन्स, इक्वाडोर, बोलीविया और वेनेजुला, ये है ना। तो क्योंकि इंडिया का ऑन मतलब उनको वीज़ा मिल जाता है। गुजरात और पंजाब जो है उसमें हाईएस्ट नंबर इलीगल माइग्रेंट्स हैं यूएस के लिए, एंड है ना। तो इस पर क्या रीज़न है ये क्लियर नहीं है। अब इसमें आप याद रखना कि ये जो रीजन आपका ये ग्वाटमाला है, और है ना, तो ये लोग मूव करते हैं यहाँ से गए टर्की इस्तांबुल गए, फिर यहाँ से ग्वाटमाला गए, फिर इस टाइप से यूएस गए, इस टाइप से लोग जाते हैं कई तरीके। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक का एक्सपेंशन, रीसेंट केस ऑफ अर्जेंटीना। तो ब्रिक के एक्सपेंशन पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है। तो अभी जो प्रेसिडेंट थे अर्जेंटीना के, जेवियर मेले करके है, तो ब्रिक्स को लेटर भी भेजा है कि उन्होंने इनविटेशन को बेसिकली अभी उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो है ना, तो अभी ब्लॉक में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ही है, और 6 नए मेंबर्स एड ऑन, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई है। तो ये 1 जनवरी से था, बट ज़्यादा मतलब इनमें से किसी ने भी इसको कन्फर्म नहीं किया है कि हम मेंबर्स बन रहे हैं। तो इन देशों को इंक्लूड करने की बात की गई थी, जैसे साउथ अफ्रीका को 2010 में किया गया था। तो इन देशों को जैसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश हैं जिनको इंक्लूड करने की बात की गई है, तो अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स के ऊपर, हमने आईआर के कोर्स में, इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बेसिक देखना हो तो ये आप लोग देख लेना, मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो आप यू कैन गो थ्रू इट। और नेक्स्ट मैपिंग के कंटेक्स्ट में ही मैपिंग तो देख लेते हैं। मतलब इसमें एक जगह है फ्री मूवमेंट जोन का कंसेप्ट आप याद रखना। फ्री मूवमेंट जोन बेसिकली ये अलॉन्ग इंडिया म्यांमार बॉर्डर है, जिसमें नागालैंड से
जो लोग हैं नागास कल्चरल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सर्टेन डिस्टेंस तक लगभग 16 किलोमीटर तक जो लोग हैं विदाउट वीज़ा मूव कर सकते हैं। तो इसको हम फ्री मूवमेंट जोन कहते हैं और ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2018 में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसमें किया गया। अब इसमें जैसे इंडिया के म्यांमार बॉर्डर है जो कि मिजोरम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश है ना अरुणाचल प्रदेश इन स्टेट्स हैं और करंटली जो ये इस ये जो रीजन है इनमें आपका आपका फ्री मूवमेंट जोन डिक्लेयर्ड है। ठीक है, ये मैप जो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये भी वी हैव कवर्ड दिस मैप ऑल्सो, ये भी हमने मैप कवर्ड किया हुआ है। तो ये मैप मैंने इंक्लूड किया, इन मैप को बार बार आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, लेबनन का रीजन न्यूज़ में है तो माउंट ये जो लिटानी रिवर याद रखना है और हसबानी रिवर याद रखना, लिटानी हसबानी करके आप ये रीजन रिवर का नाम याद रखना, एक ओरोंटेस रिवर याद रखना है, ये रिवर्स के नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जगह अटैक की वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी है। ठीक है, बाकी मैप इंक्लूडेड भी है, अलग अलग तरीके के जो मैप है। नेक्स्ट देखोगे ये जो रीजन है जापान का है और ये क्यूरोशियो करंट है, इफिल सी, ये फिलिपिन सी है, क्यूरोशियो करंट है, ये येल्लो सी है, जापान सी है। तो ये करंट है, ओशनिक करंट्स, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा या जीसी लियांग में भी पढ़ा होगा, तो वो गो थ्रू होना ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर देखो किन से पास होता है, प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे, कैप्रिकॉन से किन किन देश से पास होता है, तो ये दो गो थ्रू हो जाना है। जैसे ये कौन सी लेक है, लेक विक्टोरिया जहाँ से इक्वेटर पास होकर जाता है। ठीक है, एक रिवर भी यहाँ पे है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन उसको दो बार क्रॉस होती है, जम्बेजी या लिम्पोपो नाम से कोई रिवर है, देख लेना, चेक करना इसको। तो ये थोड़े से आपको गो थ्रू होने हैं मैप से, है ना, अपने एटलस के माध्यम से ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये देश न्यूज़ में गाम्बिया, तो गाम्बिया कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन के अंदर ये लोकेटेड है और ये गाम्बिया का थोड़ा सा जूम्ड फॉर्म है। यहाँ गाम्बिया रिवर बहती है और एक और रिवर बहती है जिसका नाम है कासा मैंके रिवर भी बोलते हैं और यहाँ पे कियांग वेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अफ्रीका का पूरा मैप है, आप अपने एटलस से भी चाहे तो देख सकते हो। अफ्रीका के मैप में थोड़े से जैसे ये रीजन कौन किसको सराउंड करता है बिल्कुल देखना, इस रीजन में देखना जैसे जो वाटर बॉडीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, ये गो थ्रू जरूर से हो जाना। तो ये आप एटलस के माध्यम से कर सकते हो या फिर इस पीडीएफ के माध्यम से भी चाउक कर सकते हो कौन किसको सराउंड करता है, जैसे रवांडा, बुरुंडी और युगांडा, उसके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो रिवर्स हैं, कॉन्गो देश हैं, तो कौन किसको सराउंड करता है वो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखना, यहाँ देखो कोको पोर्ट है, म्यांमार का हिस्सा है, पोर्ट ब्लेयर है, इधर म्यांमार का एक पोर्ट और है, सितवे पोर्ट याद रखना, सितवे कोको याद रखना, उसके बाद कराची पोर्ट, ग्वदर पोर्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, गल्फ ऑफ एडन, सचिलीज यहाँ लोकेटेड है और है ना ये जगह आपको याद रखना, हम्बन टोटा पोर्ट यहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे सानिया करके जगह है, चाइनीज है ना सबमरीन है, तो ये जगह आपको याद रखनी। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये सितवे पोर्ट, कोको पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, ये सब जगहें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ईरान में आपका चाबहार पोर्ट है, उसके बाद ओमान है, पोर्ट दुकम है, सेचिलीज है एक है, ठीक है, मॉरिशस, मेडागास्कर याद रखना है, रीयूनियन फ्रांस का आइलैंड है, उसके बाद यहाँ पे ये सब मैप में आप देख सकते हो। बाकी मालदीव्स का लोकेशन आपको पता है, डियो ग्रासिया आइलैंड यूएस यूके का है, यहाँ पे ये जो डियो ग्रासिया आइलैंड ये यहाँ लोकेटेड है, ये फैक्ट है आप याद रखना। बाकी चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए, म्यांमार है, सितवे पोर्ट याद रखना है, थाईलैंड, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जॉइंट एक्सरसाइज होती है, मतलब अगर मान लो मैरीटाइम से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है ना, मेंस में, प्रीलिम्स में तो नहीं, बट ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्प करेगा पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये पोर्ट्स थोड़ी सी जगह याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये IMEC के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाइफा पोर्ट इसराइल में है, फिर उसके बाद आप याद रखना मीना सलमान पोर्ट UAE के अंदर है, जेबल अली पोर्ट भी यहीं लोकेटेड है, तो ये लोकेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है मैपिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये पनामा कैनाल न्यूज़ में काफ़ी अधिक है, तो ये पनामा कैनाल है, ये पनामा है आपका और यहाँ पे कुछ लेक्स याद रखना है, जैसे अभी क्योंकि पनामा के इलाके में ये जो लेक्स होते हैं ये पानी प्रोवाइड करते हैं, उसमें पानी का लेवल रिड्यूस हुआ है, तो गटून लेक है, अलाज़ुएला लेक है और गटून लेक करके, तो ये लेक्स के नाम याद रखने हैं कौन कौन से हैं, पनामा है और ये सारी चीज़ें, तो ये आप देख लेना। तो ये लेक है जैसा ना, जैसे मान लो पनामा के इलाके ये लेक में पानी होता है, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, तो शिप का मूवमेंट जो है इससे काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहा है। सो ये एक है, तो ये याद रखना गटून लेक और लेक अलाज़ुएला करके ये कहाँ लोकेटेड है, ये पनामा लेक के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट आप याद रखना कि ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पे ओकिनावा करके आइलैंड लोकेटेड है, यहाँ पे जैसे ताइवान है, जापान है और यहाँ ओकिनावा करके आइलैंड है,
तो यही सेनकाकू को आई थिंक ये इस नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इराक के केस में। देखो इराक की जो सिटी एक न्यूज़ में है, एक तो बगदाद तो आपको पता ही है, एरबिल याद रखना है, सीरिया के केस में इडलिब और एलेप्पो याद रखना है, ठीक है, ये जगहें आपको याद रखनी है। ग्रीनलैंड के केस में देखोगे तो बफिन बे याद रखना है, नूक याद रखना है, यहाँ आइसलैंड है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रीनलैंड में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसकी मेल्टिंग की वजह से न्यूज़ में है, ये है हिवा वाटा ग्लेशियर, तो ये फैक्ट आपको याद रखना, दैट इज़ हिया वाथा ग्लेशियर्स के बारे में भी यू शुड नो। नेक्स्ट देखते हैं कम्बाइंड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जिसमें लगभग 34 मेंबर्स हैं, तो हमने स्टार्टिंग में इसको ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ठीक है। ये जो रीज़न है इसको मोलुकस भी बोलते हैं, ये रीज़न ये आप याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो खास तौर से आप देखो रिवर्स इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे अमेजन रिवर, नेग्रो रिवर ये याद रखना है, कौन किसको सराउंड करता है, लिथियम ट्रायंगल किन देश को बोलते हैं जिसमें आई थिंक ब्राज़ील भी है ना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। एंडीज माउंटेन्स है उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी माउंटेन्स, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके माउंटेन्स हैं है ना, एंडीज जो माउंटेन रेंज है इसमें, तो वो आपको याद रखना है। गैलापागोस आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, इक्वेडर के अंदर लोकेटेड है, दैट यू ऑल्सो यू शुड नो, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। गुआना सरिनेम भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं, तो एक तरफ बोलीविया है, चिले है और अर्जेंटीनिया, तो ये लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं इनको, तो ये फैक्ट आप याद रखो। लिथियम ट्रायंगल मतलब यहाँ पे लिथियम बहुत अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे खास तौर से कुछ जगहें रिनकोन, पॉकीटोस, इनका हुआसी, ये रीज़न याद रखना है, रिनकोन, पॉकीटोस और इनका हुआसी करके रीज़न है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ये आपके हिस्सा है लिथियम ट्रायंगल का, ये हिस्सा आपके कहलाते हैं, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पोर्ट है, इसमें एक पोर्ट आप याद रखना, चैनके पोर्ट है लीमा में, क्योंकि चाइना इसको डेवलप कर रहा है इस वजह से न्यूज़ में है, तो याद रखना चैनके पोर्ट लीमा पेरू के अंदर लोकेटेड है। और यनोमामी करके आपका है लार्जेस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है, साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, ये भी याद रखना है आपको। नाटो के बारे में देखा है याद रखना, तो नाटो बेसिकली कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है, मतलब अगर एक पे हमला होता है तो सभी पे हमला माना जाता है, और उसका स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसमें दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश और फ्रेंच, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है, ये पुराना है, आई थिंक लेटेस्ट फिनलैंड है, और है ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 5 इसमें जो कि इट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये एक आइसलैंड है जिसमें मेंबर है जो कि विदाउट आर्मी है, ये याद रखना है। अब ये रीजन जो आपका है ये आपको याद रखना है, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, रशिया, पोलैंड, ये जो रीजन है आपसे ये पूछा जा सकता है बाल्टिक सी को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे रशिया, ये बैरेंट सी है, ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, और ये आपके फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, और बिकॉज आई थिंक फिनलैंड ही आपका नाटो का मेंबर बना है, तो इस वजह से ये रीजन अपने आप न्यूज़ में आ जाता है। तो ये रीजन आपको प्रॉपर याद होने चाहिए कि जो बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, कौन किसको सराउंड करता है, दैट यू शुड नो। फिर इसके बाद आप यू नीड टू नो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, रोथरडम, एनवर्स, ये आपको याद होना चाहिए, हमबर्ग, ठीक है, ये जगह आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन फोकाक करके है, तो ये आपका 2000 से चल रहा है, और इसमें खास तौर से चाइना और अफ्रीका के बीच में कोऑपरेशन कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि चाइना को पता है कि अफ्रीका में बहुत अधिक रिसोर्सेस हैं, तो उनको कैप्चर करने के लिए वो प्रयास करता है, तो यहाँ पे कई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एक लीडर समिट हुई थी 2006 के अंदर, एक लीडर समिट भी थी, इसके कई समिट्स हैं, पहली समिट 2000 के अंदर हुई थी, अभी 6th समिट इसकी 2015 जोहानसबर्ग में हुई थी, पहली समिट आपको याद रखनी है। इथोपिया में एक जगह न्यूज़ में है टिग्रे, ये याद रखना है, दैट इज़ टिग्रे, ठीक है, टिग्रे ये आप याद रखना, दैट वी कॉल इट एज टिग्रे, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टिग्रे करके इथोपिया के अंदर ये आपका लोकेटेड है, ठीक है, तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये पूरा मैपिंग आप याद रखना कि ये रीजन है, ये खास तौर से चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में, ये कसगर रीजन है, ये जियान रीजन है, कुनमिंग रीजन है, याद रखना, क्या उपयोग करके पोर्ट है म्यांमार का, ये जगह याद रखना है, बाकी पोर्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, यह हम्बन टोटा पोर्ट है, और ये इहा वांधी फलू करके जगह मालदीव्स में है, तो ये जगह भी आपको याद रखनी है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर जैसे ये म्यांमार में आपका मिड स्टोन डैम करके है, ये ध्यान रखना है म्यांमार के अंदर, उसके बाद ये तो हमने देख लिया, दैट इज़ क्यू फ्यू करके जो आपका पोर्ट है, दैट वी नो,
ये आपको याद, ये थोड़ी सी यूनिक जगहें हैं, जगह का नाम आपको यू शुड नो। नेक्स्ट देखते हैं मैकोंग रिवर, आप याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चाइना है, लायोस है, और एक कम्बोडिया है, यहाँ पे टोनले सैप करके कम्बोडिया में लोकेटेड है, वाटर बॉडी है, और ये मेकोंग रिवर आ रही है। तो फैक्ट आपको याद रखना है कौन कहाँ कहाँ से किन किन देशों से आपका ये रिवर है। तो देखो कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपके लिए बना रखा है ये, और इसमें भी बहुत एफर्ट लगा। आप कहीं भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इस पर आप देखना कि 10-20% भी कहीं कंटेंट कवर नहीं होगा। कई कंपाइलेशन मार्केट में आते हैं, उनसे आप अपना मैपिंग का कंटेंट मैच कर लेना, कहीं इतना कवर्ड नहीं होगा। तो बट अब यहाँ से 10-10, 12-12 प्रश्न आते हैं, तो हमको बिल्कुल इसमें तैयार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक है, दैट इज़ लुआंग प्रभांग। लुआंग प्रभांग प्रभांग जो है ये एंशंट कैपिटल है, लायोस में है, लोकेटेड है, और यहाँ पे नाम खान रिवर और मेकोंग रिवर जो है उनकी वो साथ में मिलते हैं, और है ना, तो ये बहुत सारे लाइक इनहेबिटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स किया गया। नेक्स्ट देख लो ये जो देश है, जैसे अजरबैजान है, आर्मेनिया है, नागार्नो काराबाख रीजन भी याद रखना है, ये जॉर्जिया रशिया इसको सराउंड करती है, ईरान है, तो सेंट्रल एशिया के अलॉन्ग के जो रीजन्स हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर ये वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे आपके यहाँ एजियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ये रोमानिया है, ये ब्लैक सी है, और ये जैसे है ना ये देश हैं, इनकी थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए, हंगरी, क्रोएशिया, बॉस्निया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, ठीक है। तो अब है ना बल्गारिया, मैसिडोनिया, ये ध्यान में रखना है, ये देश भी आपको याद रखना है वाटर बॉडीज़ के अलावा। सस्गेन एग्रीमेंट है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें मान लो टाउन है सस्गेन लक्समबर्ग में, यूरोपियन कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में, जिसमें सस्गेन वीज़ा अगर किसी को मिलता है तो जितने भी यूरोपियन देश हैं उन सभी में घूम सकते हैं। तो ये सस्गेन एग्रीमेंट इसी चीज़ से रिलेटेड है, और उस एरिया को ओवरऑल सस्गेन एरिया बोलते हैं। तो कभी भी आप यू में घूमने जाओगे ना, तो उसमें सस्गेन अगर आपको वीज़ा मिलता है तो आप सारे जितने भी देश हैं उन पर घूम सकते हो जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं ये रीज़न याद रखना, जो आपका कैरेबियन सी रीज़न है, ये पनामा कैनाल पर हमने डिस्कशन कर लिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, और उसके बाद ये ब्राज़ील है, फ्रेंच गिनिया, फ्रांस, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, और पेट्रा रिको, डोमिनिका रिपब्लिक, ये हैती है, क्यूबा है, तो ये कैरेबियन सी रीज़न है, अटलांटिक ओशन रीजन है। तो ये थोड़ी सी जगहें आपको बिल सो लेट्स डिस्कस फर्दर। तो यू हैव ब्लैक ग्रीन ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, तो पहले तो आपको याद रखना है दैट इज़ ब्लैक जो ग्रीन इनिशिएटिव है, तो इसमें ब्लैक सी के बारे में यू नीड टू नो। तो ब्लैक सी के बारे में जो भी देश, क्योंकि पिछले मतलब प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, सो विल सी ब्लैक सी, ब्लैक सी को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं। तो यू हैव टर्की, यू हैव जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, अलग अलग जो देश हैं है ना, अलग अलग देश हैं, जैसे इधर टर्की आ गया, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, मोल्डोवा, ठीक है। तो मतलब यू नीड टू नो कि देखो ब्लैक सी है और यहाँ बीच में ये है, ये मोल्डोवा आ जाता है आपका। तो ये जो मोल्डोवा है, यू हैव अ मोल्डोवा, फिर आप मतलब ये गैप है, मोल्डोवा बेसिकली ब्लैक सी के साथ उसका बॉर्डर नहीं है, ठीक है। इसका बॉर्डर जो मोल्डोवा है उसके, मोल्डोवा का बॉर्डर ब्लैक सी के साथ नहीं है। तो जनरल प्रश्न ये आ सकता है कि कौन से देश हैं जो लाइक ब्लैक सी को सराउंड करते हैं, तो रोमानिया है, बल्गारिया याद रखना, फिर यहाँ पे आपका एजियन सी है, ब्लैक सी है, और यहाँ पे यू हैव सी ऑफ मरमरा, तो यहाँ पे यू हैव बल्गारिया, रोमानिया, टर्की, जॉर्जिया, इधर रशिया है, यूक्रेन है, इधर आप याद रखो ये देखो ये सी ऑफ मरमरा है, ऊपर देखोगे दिस इज़ सी ऑफ अजोव, फैक्ट्स याद रखना। तो जो ब्लैक ग्रीन इनिशिएटिव है इसके तहत अगर इफ़ यू फाइंड, ये अलाउ करता है शिप्स को सेफली एक्सपोर्ट करना ग्रीन। तो जैसे मान लो यूक्रेन से और जो दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो भी आप यू कैन से कि शिप्स को अलाउ करता है कि सेफली एक्सपोर्ट करना ग्रेन्स को, अदर फूड स्टफ्स, मटेरियल्स इंक्लूडिंग अमोनिया है ना फ्रॉम यूक्रेन, मैरिटाइम ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव्स, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, मतलब यूक्रेन से और जगहों पे चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, और ये जो है युद्ध की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट हुआ था, इट वाज अफेक्टेड। तो यूएन प्लान विच इज़ लिंक टू एफर्ट टू इंश्योर रशियन फूड, जो रशियन फूड है, फर्टिलाइज़र है, ग्लोबल मार्केट तक रीच करे, ये था एक उद्देश्य था, मतलब ये पुराना आस्पेक्ट था, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इंडस वाटर ट्रीटी में ध्यान में रखना है कि पूरा आपका जो बेसिन है, अब इधर आप देखोगे तो ये इंडस रिवर है, इसके कई ट्रिब्यूटरीज, जैसे इधर किशन गंगा है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है,
कौन किसको जुड़ रहे, इसको बहुत ध्यान से देख लेना एक बार, इस पर भी प्रश्न पूछा है लाइक, है ना, जैसे ब्यास रिवर है, फर्दर यहाँ से ये जुड़ रही है, फिर इधर रावी रिवर चेनाब से जुड़ रही है, फिर झेलम चेनाब से जुड़ रही है इस टाइप से, तो ये इंडस रिवर भी सब एक जगह पे इंडस रिवर से मिल रही है। तो यहाँ पे दो रिवर्स हैं, एक तरफ वेस्टर्न रिवर है, दूसरी तरफ आपका ईस्टर्न रिवर है। वेस्टर्न रिवर्स में झेलम, चेनाब और इंडस है, और इंडिया का जो राइट्स है, इंडिया मतलब इंडिया का राइट्स ओवर दीज रिवर्स है ना, जैसे मान लो कुछ इरिगेशन, रन ऑफ रिवर, पावर प्लांट्स, डोमेस्टिक और है ना, तो ये सब चीज़ें आपके इंक्लूडेड हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चेनाब, झेलम और इंडस है, इंडिया का राइट्स है इन रिवर्स पे, एंड सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर, पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव जो यूज़ है ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरी जो रिवर्स हैं वहाँ सतलज, रावी, ब्यास है, इसमें इंडिया का राइट्स है, इस पर जो एक्सक्लूसिव राइट है वो इंडिया का है। इसमें जैसे एक्सक्लूसिव जो राइट्स है वो पाकिस्तान का है आपका, ठीक है, जो ICG रिवर्स हैं और इसमें कुछ कंडीशंस में इंडिया कैसे यूज़ कर सकता है वो हाईलाइटेड है। फिर ये सबको देखने के लिए एक स्पेशल कमीशन का गठन भी रहता है, परमानेंट इंडस कमीशन जिसे हम कहते हैं। अब ये जो परमानेंट इंडस कमीशन जिसे शॉर्ट में PIC बोलते हैं, ये विजिट करता है लाइक वंस एवरी 5 ईयर, कंडक्ट अ जनरल इंस्पेक्शंस, सारे जो रिवर्स, ऑल रिवर्स इन पार्ट्स जो रिवर्स हैं उनका इंस्पेक्शन करना, रेगुलरली मीट करता वंस अ ईयर टोटल, है ना, तो मीटिंग एक होती है 5 साल में पूरा इंस्पेक्शन करना, ये देखना कि वेदर जो भी प्रोविजंस हैं इंडस वाटर ट्रीटी के वो सही तरीके से इंप्लीमेंट आपकी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इस सबको देखना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर ऑफ द इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये गवर्न की जाती है इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से। साइन आपका 1960s में किया गया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इसमें जो मध्यस्थता जिसने की थी वो वर्ल्ड बैंक है, उसने की थी, एंड है ना, तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो मध्यस्थता है वो आपकी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मैपिंग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर्च न्यूज़ में है, तो कर्च स्ट्रेट आप याद रखना। तो यहाँ पे जैसे देखो ये क्रीमिया है, क्रीमिया पहले रशिया का हिस्सा था, रशिया ने यूक्रेन को दे दिया दोबारा से 2014 के बाद से, और जो क्रीमिया है उसको रशिया ने वापस ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये रशिया है, इधर ये क्रीमिया है, और बीच में ये स्ट्रेट है जिसका नाम कर्च स्ट्रेट है, ये आपको याद रखना है। सो ये जो कर्च स्ट्रेट, इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है क्योंकि कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश करता। फिर यहाँ तुजला आइलैंड करके भी है, तमन बे करके भी है, तो यहाँ ऊपर देखोगे सी ऑफ अजोव करके लोकेटेड है। तो यहाँ पे यू हैव क्रीमिया, यहाँ रशिया, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च लोकेटेड है, ऊपर सी ऑफ अजोव है और फिर ब्लैक सी है। तो ये थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको एकदम माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो माइंड के अंदर आपके एकदम से क्लियर होना चाहिए कि जो सी ऑफ अजोव है ना, इधर आपका ब्लैक सी है, कर्च है, क्रीमिया है, तो ये सब कहाँ पे बेसिकली कहाँ, मतलब इनका रेस्पेक्टिव लोकेशन किस तरीके से है, यू नीड टू नो दैट। नेक्स्ट देखते हैं, आपको याद रखना कि ला पल्मा जो है कहाँ लोकेटेड है, ये कैनरी आइलैंड स्पेन के अंदर लोकेटेड है, ये न्यूज़ में है, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, IR बेस्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका अफ्रीका है, ये इधर स्पेन है, इफ़ यू फाइंड दिस इज, ये अगर देश इधर नीचे जाओगे तो मोरक्को आपका देश आ जाता है, और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेन है, और ये ला पाल्मा करके है, तो यहाँ ला पाल्मा आ जाता है। सो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, तो ये ला पाल्मा याद रखना, न्यूज़ में था। कैनेरी आपसे पूछे कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैनेरी है वो भी यहीं पे लोकेटेड है अटलांटिक ओशन रीजन में। तो आसियान देश में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी बहुत ईजी सा प्रश्न है लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। आसियान देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये आप याद रखो, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, वियतनाम, लायोस, फिलीपींस, ये सारे देश आसियान के अंदर आपके हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट देखते हैं जो है मैपिंग के कंटेक्स्ट में, जैसे मैंने कहा कि IR बेस्ड मैपिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि रिवर जो यहाँ बहती है, ये आपका यूक्रेन का रीजन है, तो यहाँ पे खारसन याद रखना, ज़ापोरोजिया याद रखना, डोनेट्स्क यहाँ लोकेटेड है ध्यान रखना है, इधर रशिया का रीजन है। फिर उसके बाद आप याद रखो बखमत याद रखना, निप्रो याद रखना, निप्रो रिवर याद रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये यूक्रेन को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं, दैट ऑल्सो यू शुड नो। क्रीमिया याद रखना है, खारसन याद रखना है, ब्लैक सी रीजन है, अभी यहाँ मॉल्डोवा लोकेटेड, मॉल्डोवा डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी, फैक्ट याद रखना है। रोमानिया, और ये जैसे कौन कौन से देश बॉर्डर करते हैं यूक्रेन में, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, ये सारे रीजन सराउंड करते हैं। तो ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है, जो भी जगह न्यूज़ में है वहाँ से इन्होंने प्रश्न बनाए। पिछले मतलब अगर आप 2023 के प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करोगे तो काफ़ी ऐसे मैपिंग बेस्ड प्रश्न इन्होंने ऑलरेडी दे हैव फ्रेम्ड। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करें, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक,
ये मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक है, ये क्या है, इट्स अ मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक, इट इज़ अ मल्टी लेटर डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, मतलब इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो आप इसको PDF से चाहो तो रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्यूरिल आइलैंड है। क्यूरिल आइलैंड ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ है, सी ऑफ ऑकहॉट्स और पैसिफिक ओशन के बीच में आइलैंड्स लोकेटेड है, और इसमें जापान और रशिया के बीच का टेंशन है, इसमें दोनों का अपना इसमें क्लेम है, तो आप याद रखना सी ऑफ ऑकहॉट्स ऊपर साइड लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन इसके बीच में ये है, और दोनों अपना अपना क्लेम करते हैं, लाइक है ना, मतलब जापान कहता है कि हमारे इसमें लोकेटेड है, रशिया कहता है हमारे इसमें लोकेटेड है, तो बस इतना सा इतना आइडिया रखना चाहिए। अब क्या डिस्प्यूट है क्या है वो इतना हमें नहीं देखना। जैसे अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे देखो ये होकाइडो है, इसी होकाइडो बेसिकली आइलैंड है जो कि हिस्सा जापान का ही है, तो यहाँ पे देखोगे ये आपका लोकेटेड, ये होकाइडो है और ये हियर यू विल फाइंड दीज आर द क्यूरिल, जैसा है ना, तो ये क्यूरिल आइलैंड्स पूरे लोकेटेड हैं और ये रीजन को क्लेम किया जाता है, जिसे हबोमाई आइलैंड्स बोलते हैं, तो जापान कहता है ये हमारा है। उसके बाद ये सी ऑफ ऑकहॉट्स का है, यहाँ पैसिफिक ओशन है, इन दोनों के बीच में क्यूरिल आइलैंड्स लोकेटेड है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इधर देखोगे तो कामचटका पेनिनसुला लोकेटेड है जो कि रशिया का हिस्सा है, इधर देखोगे सखलिन आइलैंड लोकेटेड है जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑयल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे यू विल सी यहाँ पे यू हैव अ सखलिन आइलैंड, सखलिन आइलैंड करके जो है वो लोकेटेड है, हियर यू विल फाइंड दिस इज अ सखलिन आइलैंड करके जो है, इधर आपका यू हैव सखलिन आइलैंड, ठीक है, रशिया का हिस्सा है, तो ये सखलिन आइलैंड आ गया, कामचटका पेनिनसुला आ गया, तो ये सब आपको देखना है कि कौन रीजन कहाँ पे लोकेटेड है। क्यूरिल आइलैंड है, जैसे सेनकाकू आइलैंड पे भी UPSC ने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, 15 मेंबर देश हैं इसमें, तो ये आप थोड़ा सा देश के नाम, मतलब ये याद रखना है कि है ना, कुछ मेंबर्स इसको सस्पेंड किया गया है, जैसे माली, नाइजर, बर्किना फासो, गिनिया, जिसमें ये देश इनको सस्पेंड किया गया, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, जिसे इकोवास शब्द यूज़ किया जाता है, इकोवास ये शब्द यूज़ किया जाता है। अब इनको सस्पेंड क्योंकि यहाँ पे कू कैरी आउट किया गया था, मिलिट्री रूल जो है किया गया था। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देश हैं जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया है, टोगो, बेनिन, घाना, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सियरा लियोने, गिनिया, इधर सेनेगल है, गैम्बिया है, गिनिया बिसाव, केप वर्डे है, तो थोड़े से याद रखने हैं ये, थोड़े से अपने आप एटलस में भी चाहो कैन गो थ्रू इट, दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे इकोसॉक मेंबर में देखो ये सब है, कुछ देश अभी जैसा अभी हमने देखा, कुछ देश क्योंकि वहाँ पे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दोज बिकॉज ऑफ दोज एक्टिविटी बहुत सारे देश को सस्पेंड किया गया एज अ मेंबर ऑफ इकोवास, तो 15 इकोवास मेंबर्स है, इसमें बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, कोटे, आइवरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना, गिनिया बिसाओ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोने, टोगो और नाइजर, ये सब क्या है, ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ इकोवास, ठीक है, क्या है, दे आर मेंबर्स ऑफ इकोवास, इकोवास का मेंबर है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ये जगह आपका न्यूज़ में, यहाँ पे विल फाइंड, यहाँ म्यांमार है, तो यहाँ इरावडी रिवर है, ये भारत है, उसके बाद यह चाइना, वियतनाम, लायोस, वियतनाम, थाईलैंड, तो ये थोड़ा रीजन आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी है, गल्फ़ ऑफ आइलैंड है, तो ये जगहें बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, न्यूज़ में रहती हैं, अपने मैप से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखना है, यहाँ कोक्स बाजार न्यूज़ में है, तो ये ध्यान में रखना है, ये सितवे पोर्ट है म्यांमार का, रखाइने स्टेट म्यांमार का हिस्सा है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो है, दैट इज़ फिफ्थ जो ब्रिक्स समिट है वो आपकी जोहानसबर्ग में हुई थी, 15th जो ब्रिक्स समिट जोहानसबर्ग में हुई थी, और इसका भी जो ऑब्जेक्टिव है कई सारी चीज़ें, तो ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है ना, और भी कुछ देश हैं, उन्होंने ऐड ऑन होने की बात हुई है, बढ़ा के आगे हम डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है उसमें डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटजी पे बात की, मतलब जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे उसको रिड्यूस करने की बात की गई, तो आपके इकोनॉमी के अंदर भी ये चीज़ पूछी जा सकती है कि डी डॉलराइजेशन का क्या इम्पैक्ट है या डॉलराइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ऐसा कोई प्रश्न जो है वो फ्रेम हो सकता है। तो रिपोर्ट्स हैव सर्फेस्ड हिंटिंग एट द पोटेंशियल फॉर्मुलेशन ऑफ अ कॉमन करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड, ठीक है, तो एक कॉमन करेंसी का फॉर्मेशन होना, कॉमन जो करेंसी है वो कॉमन करेंसी लेकर आना, एंड दैट इज़ टू बी बैक्ड बाय, दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय गोल्ड, गोल्ड के गोल्ड से बैक करना, ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे गोल्ड के प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे, बहुत तेज़ी से, बिकॉज है ना चाइना ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बाय करके करेगा, अटेंड जो है वो किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक टॉपिक आपका आता है, दैट इज़ नदन सी रूट की बात करें, तो नदन सी रूट आप याद रखना है कि ये जो रूट है, क्योंकि देखो ये बर्फ़ पिघल रही है, नए नए इलाके, नए नए जो रूट्स हैं वो आपके इमर्ज हो रहे हैं, तो इधर आप देखोगे रॉथरडम, नीदरलैंड,
इसका नदन सी रूट है, तो ये अलास्का से ऐसे होते हुए, तो ये जो रूट है जैसे डैलियन चाइना स्वेस कनाल जो रूट है पूरा, ये पूरा रूट है, जैसे अभी रूट यहाँ से बहुत इजीली यहाँ से यूरोप की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर देगा, तो चाइना को इतना लंबा आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अब ये देखो ये रूट है, तो जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही तो नए रास्ते बन रहे हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ चाइना को डर किस चीज़ का है, यहाँ पे इंडिया प्रेजेंट है तो यहाँ पे मलक्का स्टेट हो गया, यहाँ इंडिया का प्रेजेंस है तो उसका मलक्का डेलमा भी है, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए बन जाता है। फिर है मुरमांस्क जो है, जिसे कैपिटल ऑफ आर्टिक रीजन कंसिडर किया जाता है, तो ये बिगनिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है नदन सी रूट का। और नदन सी रूट जो है शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है और ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये बहुत है, लगभग 5,600 किलोमीटर। और ये रूट है बिगिन होता है बिटवीन बैरेंट्स एंड कारासी कारा स्ट्रेट, और बैरिंग स्ट्रेट में इसका खात्मा होता है, मतलब जो एंड होता है। फैक्ट से आप याद रखना, अपने एटलस में भी थोड़ा सा जगह देख लेना, दैट इज़ बैरेंट्स एंड कारासी कारा स्ट्रेट, और एंड इसका बैरिंग स्ट्रेट प्रोविडेनिया बे, यहाँ पर आपका इसका एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैपिंग है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, ये टर्की है, ये अंकारा है, ये ब्लैक सी है, यहाँ साइप्रस है, तुर्किस साइप्रियोट है रीजन है, ये करदक ई पी आईलैंड लोकेटेड है, ये एजियन सी। आप बस इतना याद रखो कि टर्की और ग्रीस के बीच में आपका टेंशन है एजियन सी को लेके। यहाँ पे कई रिसोर्सेस है, टर्की अपना क्लेम करता है, ग्रीस जो है वो अपना क्लेम करता है, तो ये फैक्ट याद रखना कि एजियन सी है, दैट सी बेसिकली डिवाइड द ग्रीस एंड टर्की को डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में प्रपोज किया गया था, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना है कि ये पूरा रूट आपको याद रखना, अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से देश हैं जो कि IMEC कॉरिडोर का हिस्सा है या नहीं है, ऐसा प्रश्न बना सकते हैं, उसे आपको 1, 2, 3, 4 करके पूछ लेंगे कौन सा है, तो आपको ये याद रख लेना है, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आपको जैसा भी ठीक लगे वैसा याद कर लेना, मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म बनाना हो बना लेना। तो इसमें ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब्राहम अकॉर्ड, या अब्राहम अकॉर्ड जो है वो एग्रीमेंट आपका साइन किया था इसराइल और सेवरल जो अरब स्टेट्स हैं उनके बीच वो साइन किया गया था, और इसमें कई सारे देश जो है इंक्लूडेड है, तो एक तरफ इसराइल आपका हो गया, उसके अलावा UAE, बहरीन और मोरक्को थे, और इसमें कई सारी चीज़ें, मतलब खासतौर से अरब वर्ल्ड है किस तरीके से अपने रिलेशन को डेवलप करें इसराइल के साथ, इसराइल क्योंकि जो कुछ ये देश, इनको ये मानना है कि इसराइल के माध्यम से ही वो एंटर कर सकते हैं वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में, प्लस यहाँ डिस्प्यूट को दूर करने के लिए एक एक प्रयास किया जा सकता है जिससे कि जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट है उसको रोका जा सके। UAE, बहरीन और मोरक्को है ना इनके बीच था, है ना, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना किसके किसके बीच में, तो कंट्रीज़ के नाम आप याद रखना, ये मार्क याद रखना, ये जैसे यू कैन सी कि ये बहरीन आपका हो गया, कतर, सऊदी अरेबिया, ये मैपिंग आपको याद रखना। जैसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि रेड सी को कौन सा देश सराउंड करता है, तो रेड सी को सूडान, इजिप्ट, ये देश आपको याद रखने, जॉर्डन नहीं करता, याद रखो। अगर आप ये याद रखो कौन नहीं करता है तो आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि नहीं करने वाले कम ही होते हैं, इधर यमन है, सऊदी अरेबिया करता है, ये फैक्ट से याद रखना। क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US की बात किया जाए, तो इनकी जो 78th सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, तो मतलब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78th मीटिंग, उसी के बीच में ये मीटिंग आपकी हुई थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड जो है उसमें उन्होंने सामने रखा कि हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन पर हमारा फोकस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होम्स शहर कहाँ लोकेटेड है। होम्स ये सीरिया में लोकेटेड है, ये फैक्ट याद रखना है। अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कनेक्टिविटी, बीजिंग, जियान, हर पूरा रीजन है, तो आप देखो हर जगह कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, तो ये पूरी कनेक्टिविटी अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगी, जहाँ से आप देखो अस्ताना, अक्ताऊ, तेहरान, ये है, इसी को काउंटर करने के लिए IMEC था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी अगर एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगी, सो इसका एक सबसे बड़ा ये है कि चाइना पावरफुल होगा, आसानी से अपना ट्रेड कर सकता है, क्योंकि एक तरफ US तो बहुत दूर अटलांटिक ओशन के उधर लोकेटेड है, यहाँ एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये एक बहुत आसान रूट बन जाएगा, है ना, जो कनेक्टिविटी है तो व्यापार बढ़ सकता है, इससे चाइना काफ़ी अधिक पावरफुल और हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक है, ये लेबनन का मैप है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, बैरत है, और यहाँ पे लिटानी रिवर है, ये आप याद रखना, लिटानी रिवर कहाँ लोकेटेड है, वो आपका लेबनन के अंदर लोकेटेड, लेबनन हमेशा से वॉर रहा है, मतलब वॉर में रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। चलो फिर से बता देता हूँ, करंट अफेयर प्लस का कोर्स मिस नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट है,
ये सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये सब इसी के नोट्स हैं, डाउन टू अर्थ यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये डाउन टू अर्थ है, प्लस क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ। physics.org देख लो, इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, अभी सोडियम एयर बैटरी के बारे में डिस्कस किया था, हॉकिंग रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था, सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में, बायोटर्बेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था, ये सब डिस्कस किए हुए हैं। तो ये करंट अफेयर प्लस है, प्रिलिम्स और मेंस दोनों कवरेज होगा, हिंदू के वीडियोज़ भी आपको उसमें डलने लग जाएंगे, हिंदू सेशन तो यहीं चलेगा, और ये क्लासेस आपकी चलेंगी 1 मई 2025 तक, ठीक है। क्लासेस लाइव के अलावा रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, इसको मिस नहीं करना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। ऑलरेडी हमारी 16-17 क्लासेस, आई थिंक 15 या 16 क्लासेस हो गई, उसके अलावा हिंदू के माइंड मैप्स डाल दिए हैं, इसके अलावा PDF आपको सारी मिल गई हैं, IR का जो बेसिक पार्ट है उसके वीडियोज़ डाल दिए हैं, क्योंकि इस कोर्स में मैं लगभग 1.5 से 2 साल का कंटेंट कवर करूँगा, क्योंकि 2-3 महीने में लास्ट में नहीं कवर हो पाता इतना अच्छे तरीके से, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा कोर्स आप दोनों साथ में ले सकते हो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है बुक सीरीज़ में, तो आपको ये दोनों कॉम्बो अवेलेबल है, तो इसमें आप 1000 रुपीज़ सेव भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, इनमें जो कोई भी कोर्स का लिंक है या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके ये saurabhpandeyCSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जाना है आपको, और वहाँ पे दोनों में से किसी भी कोर्स को आप क्लिक करना है, वहाँ पे कॉम्बो का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर देना है, और आप दोनों मतलब ये अमाउंट अपने आप रिड्यूस हो जाए, कोई कोड की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल फिर आपके पास अच्छा मौका, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल का हिस्सा बनते हो, ठीक है, तो ये saurabhpandeyCSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लाइव क्लासेस आपकी 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेट ऑप्शनल है, दिसंबर तक आपको ऑप्शनल किताबें NCERT ये सब कुछ ख़त्म कर लेना है। अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में डिले करोगे तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन बातों को मन में रखना है कि मुझे मेरे इस ऑप्शनल को ख़त्म करना है, आपका लाइक है ना, ऑप्शनल को ख़त्म कर लेना है बाय दिसंबर, ठीक है। मैं नोट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड करूँगा, इस पर वीडियो अलग से बनेगा। अपकमिंग कोर्सेज हैं, अभी लॉन्च नहीं किया, बट जल्द मैं लॉन्च कर दूँगा ये सारे कोर्सेज, NCERT के हैं, ऐसे राइटिंग के हैं, टेस्ट सीरीज़ है 2025 के लिए, एग्रीकल्चर ऑप्शनल लॉन्च हो चुका है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐप ध्यान रखो, ये नंबर याद रखो, क्वेश्चन देख लो, कस्टम कैन नेवर ओवर शेडो कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सोच के लिखना है, बहुत हाई लैंग्वेज मेच्योरिटी चाहिए, ठीक है, तो अच्छे से लिखना। saurabhpandeyupsc टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर सकते हो, saurabhpandeyCSE ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया है तो, और ये स्कैन कर सकते हो, ये मतलब डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चले जाओगे, इसको स्कैन करके अगर आप देखना चाहते हो, इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको कोर्स और ये सब आपको दिख जाएगा। इसके अलावा हिंदू सेशन का PDF आपको मिल जाएगा, तो ये आप देख लेना, इसका PDF आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अलग से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर करके है, उस पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो ये नंबर है, नंबर याद रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज सेशन भी आप लोग का बड़ा हो गया लेकिन कंटेंट अच्छा था, आई होप आप लोग को थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, नंबर मैं इसीलिए आपको देता हूँ, एकेडमिक नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट अगर आपकी पढ़ाई को अफेक्ट कर सकता है तो मैं आपके लिए हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे सर के से बात करके कुछ मेरा क्लियर हो जाना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, तब भी आप बात कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कोर्स के लिए ही मैं मतलब आप कनेक्ट करो, अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल, जो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट कर सकता है, मेंटल हेल्थ इशू आपको लगता है कि इससे कुछ है, तो ये आप ये भी मानकर चलो कि एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर के रूप में भी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई इशू आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप मुझे रीच कर सकते हो, ठीक है। आप मैसेज कर दो, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा, अगर ऐसी स्थिति, अगर कोई अर्जेंसी है तो मैं तुरंत आपको कॉल कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।